और बिहार में कई दिनों से जारी सियासी घमासान के बाद कांग्रेस और आरजेडी में सीटों पर सहमति बन चुकी है। दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। जानकारी मिल पा रही है कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर सीट शामिल है। बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस एक और सीट की मांग कर रही है, जिस पर दोनों पार्टियों में चर्चा जारी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि शिवहर या महरारगंज में भी कोई एक सीट है जो कांग्रेस को मिल सकती है, इस पर सहमति बन सकती है। तो यहाँ सीट की मांग अभी भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, हालांकि बाकी सीटों पर सहमति बन चुकी है। ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है? बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। 10 मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा थोड़ी, कल ही आपको पता तेजस्वी जी ने खुद ही बोल दिया है, हो जाएगा। और देखिए, लंबे समय से चले आ रहे खींचा तानी के बाद कांग्रेस को आरजेडी ने 8 सीटें दी हैं। हालांकि इसके बाद भी कई कांग्रेसी नेता इस सीट शेयरिंग से नाराज बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के खाते में कौन सी 8 सीटें आई हैं। देखिए, कांग्रेस के खाते में जो 8 सीटें आई हैं उनमें कटिहार, किशनगंज और भागलपुर शामिल है। इसके अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब और सासाराम, ये तमाम सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो ये कांग्रेस को 8 सीटें दी गई हैं। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो आखिरकार फाइनल हुआ, सहमति दोनों पार्टियों के बीच बन गई। तो भले ही आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई हो, लेकिन पूर्णिया सीट पर दोनों पार्टी में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और आरजेडी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल दे दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से नाराज हो गए हैं। देखिए, प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने आलाकमान से आग्रह भी किया है कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़वाया जाए। जहां बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन भरेंगी, वहीं दावा है कि पप्पू यादव उनसे एक दिन पहले 2 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। पूर्णिया की सीट पर दावेदारी जारी है दोनों तरफ से। तो एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीमा भारती ने 3 अप्रैल को नामांकन करने की बात कह दी है। कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब लोग कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता जो मेरी जिंदगी का, मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब मौत के बाद ही ना पूर्णिया से कोई मुझे अलग कर पाएगा। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लान ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच पूर्णिया सीट को लेकर अब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया को लेकर अड़े हुए हैं। और इन सब के बीच एनडीए गठबंधन के नेताओं को महागठबंधन पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। एक तराजू पर एक जंतु होता है, उसको तौला नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से आज वो लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पटना में मीटिंग हुई थी, उसी दिन कहे थे को लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे और आज बिखर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी और बिहार में आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टी हैं। अभी परिवार का कोटा पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हम जब इस गठबंधन से अलग हुए थे हमारी यही वेदना थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संगठन के स्वरूप को लेकर के ये लोग सक्रिय नहीं हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबे स्वर से कहना शुरू कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी की संगठन में किसी बुरी ताजपोशी के खिलाफ। और फिर बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों के विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। पूर्णिया सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार उतारने को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा।
तो देखिए पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है और यही वजह है कि वो उन पर हमलावर है। लालू यादव को मुझसे क्या परेशानी है, सवाल पूछ रहे हैं। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनने में भी मदद करने की बात कही थी। देखिए दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, यही दावा पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं और लालू यादव पर बड़ा हमला उन्होंने बोला। तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करना है ना, मैं तो पूर्णिया में हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आहत हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता।